अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां खेलों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पहल शुरू की है, जिसके लिए एक प्रस्ताव आयुक्त भेजा गया है। दरअसल नगर निगम में खेल कूद के लिए बजट होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिसको देखकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने वॉलीबॉल संघ के गठन का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों के नगर निगम की टीमें गठित हैं जो खेल रही हैं, लेकिन रीवा का नाम नहीं आ रहा है, जिससे वह चाहते हैं कि वॉलीबॉल संघ का गठन हो और रीवा में भी वॉलीबॉल की टीम गठित की जाए। शहर में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसके लिए MIC में प्रस्ताव पास करने के बाद परिषद में ले जाने की तैयारी है। आइए आपको सुनाते हैं भेजे गए प्रस्ताव और वॉलीबॉल संघ के गठन को लेकर नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा है। देखिए, एक नगर पालिक निगम रीवा वॉलीबॉल संगठन हम लोग एक गठन कराना चाह रहे हैं कि जिसका एक संगठन का एक संघ का गठन हो जाए और संघ के माध्यम से शहर में हर साल राष्ट्रीय लेवल की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो नगर निगम। और नगर निगम की टीम जो बाहर जब खेलने जाते हैं, जैसे तो जगह 6 टीमें जा रही हैं, उसमें 3 नगर निगम की भी टीम जाए। जैसे हर जगह होता है कॉरपोरेशन रीवा खेल रहा, तो ये अभी नाम नहीं आता, कटनी खेलता है, जबलपुर खेलता है, इंदौर खेल रहा है, रीवा नहीं खेल रहा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ इसका बजट रहता है खेल कूद का और लोग उत्साहित हैं, उसके लिए एक वॉलीबॉल का हम लोगों ने एक नगर पालिक निगम रीवा वॉलीबॉल संघ का गठन का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजा है और उसको MIC के माध्यम से परिषद में ले जाएंगे, इसका संगठन गठन कराकर और कोशिश ये करेंगे कि फरवरी में इसका एक टूर्नामेंट हो। इसी प्रकार महापौर कप कबड्डी टूर्नामेंट के लिए जो यहाँ के कबड्डी एसोसिएशन है उसने भी कहा है, तो उसको भी हम लोग हर साल ये हो। 99 में एक बार हुआ था, फिर 2009 में सिवेन सिंह जी ने कराया था, तो इस तरह करके 2 बार हुआ ये, इसके बाद कोई प्रतियोगिताएँ नहीं हुई। हमेशा प्रतियोगिता होनी चाहिए, उससे क्या होता है कि खिलाड़ी भावना से लोगों में मेल मिलाप होता है और अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं उनका हुनर भी दिखता है, वो देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमने अभी बास्केटबॉल के जो ग्राउंड है एक था उसको उसकी निविदा करवा रहे हैं, उसमें 2 बास्केटबॉल का ग्राउंड और 1 कबड्डी का प्रैक्टिस ग्राउंड बनवा देंगे, तो वहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस होगी, रोज़ बास्केटबॉल के 2 ग्राउंड हो जाएंगे वो प्रैक्टिस होगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको खेल के प्रति भी नगर निगम को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। आप नेशनल लेवल खेल की बात कर रहे हैं, ये आपका ग्राउंड अभी तक काम नहीं लगता तक बन पाया? अभी तो उसकी निविदाएँ कराई हैं, हैं निविदा में चली गई है। आप ये मान के चलिए, नहीं वो खेल के लिए नहीं होगा, वो टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड नहीं बनवा रहे हैं, हम प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड बनवा रहे हैं, रोज़ की प्रैक्टिस के लिए महिलाओं पुरुषों के बच्चों के लिए ये ग्राउंड बनाया जाएगा। टूर्नामेंट के लिए तो अलग जगह होंगे, बड़ी ग्राउंड चाहिए, अभी सिर्फ प्रैक्टिस ग्राउंड बनवा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए ही इसको हम रेडी कर रहे हैं। टूर्नामेंट कहाँ होना है, क्या कुछ तैयारी? अभी ये नहीं, टूर्नामेंट की भी कोई तैयारी नहीं हुई है अभी, इसको हम MIC के थ्रू परिषद में ले जाएंगे। आज ही तो इसकी पहल चालू किया है, तो MIC के थ्रू परिषद में ले जाएंगे, परिषद से इसको पास कराकर इसके बाद इसके नेशनल लेवल पे, मतलब ये टूर्नामेंट अपना जिला स्तर रजिस्टर्ड हो जाएगा, नगर निगम वॉलीबॉल का एक संगठन बना देंगे, एक कबड्डी का बना देंगे और वो दोनों टूर्नामेंट फिर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831
551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।